इन दिस बैडएस जेल जहां होगा अत्याचारी खेल लॉकअप। सर एमएच प्लेयर का शो लॉकअप देखते हैं? जी सर देखता हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मज़ा आ रहा है। शुरुआत में जब शुरू हुआ था तो मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था, पहला एपिसोड तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा, मतलब मैंने कहा क्या ये तो बिग बॉस की कॉपी टाइप का लग रहा सब कुछ, इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कंटेस्टेंट भी देख के अच्छा ही लग रहा। बट अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसके अंदर, एंटरटेनिंग बन रहा है। मुझे नहीं पता मेकर्स ने ये मतलब क्या, मेरे ख्याल से तो पहले शूट हो गया होगा तो सब कुछ उनका हिसाब से ही था। जैसे वो अंजलि करके आ गई हैं, वो जो कच्चा बादाम पे उन्होंने डांस वांस किया था, एकदम बहुत ही बुरी दिख रही है वो, उनसे मालूम चल रहा है कितनी बुरी दिखती है वो। खैर मगर काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है, उनको भी देखने में मज़ा आ रहा है, उसको भी लोग जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ ने लिया। जी हाँ पूनम पांडे, हालांकि पूनम पांडे काम यहाँ पे बचा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है उनके पास कोई काम वाम था नहीं, तो आ गई यहीं पर बैठने के लिए, थोड़ी देर यहीं पर बैठ लेंगी। और उनका ओनली फैंस वाला जो ऐप है उसको पे कोई ने सब्सक्रिप्शन तो लिया नहीं है, तो यहीं आके थोड़ा बहुत पैसा कमा ले। मुनव्वर फारूकी काफ़ी प्रभावित कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा मतलब जो है एंटरटेनमेंट कर रहा है। मेरे ख्याल से मोस्टली लोग शायद मुनव्वर फारूकी की ही वजह से शो को देख रहा है, क्योंकि कंगना रनौत तो होस्ट कर रही है, वो कोई कंटेस्टेंट तो है नहीं जो वो कुछ अजय अलग करेंगी ऐसा कुछ है। पर ये जो कंटेस्टेंट्स हैं कोई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं है, हीरोज़ नहीं है बड़े बड़े, मगर उसके बावजूद ये जो सोशल मीडिया मोस्टली सोशल मीडिया के इसके अंदर सेलिब्रिटीज़ हैं, तो सोशल मीडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब अपना वो दिखा रहा है। जैसे वो अंजलि है कच्चा बादाम वाली, ठीक है वो अपने कई सीक्रेट्स रिवील कर रही है, कई कुछ कर रही है, हालांकि उनके सीक्रेट्स फोकट के फालतू के कोई मतलब के नहीं है, वो उसको सीक्रेट्स बता बता के कर रही है। मुनव्वर फारूकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब चीज़ें कर रहे हैं। पूनम पांडे भी कुछ कर, पायल रोहतगी का काफ़ी मज़ा आ रहा है देख रहे हैं, क्योंकि पायल रोहतगी पहले वो उनके खिलाफ थी फिर वो उनके तरफ हो जाती है, मतलब एक तरह से वो बदला स्वरूप कर रही है, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस भी है, वो पहले बिग बॉस में भी आ चुकी है, बिग बॉस में उन्हें मालूम है क्या करना था क्या नहीं, तो उस तरह की चीज़ें वो करती रही हैं, तो ये ऐसा चल रहा है, तो अच्छा है, मतलब शो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ओवरऑल एंटरटेनिंग है शो? जी एंटरटेनिंग है, शुरुआत में मुझे जब नया आने आया था तो देखा था तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं लग रहा था, बट धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो है वो शो अच्छा है, मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि इसी तरह एंटरटेनमेंट बना रहा है वो। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि बीच में ये जैसे दूसरे रियलिटी शोज़ जो होते हैं ऐसे टीवी के कंटेंट होते हैं जो दूसरे होते हैं उनमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला एक सिस्टम चलता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री से किसी को नया बुलाया जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद इस वाले शो के अंदर भी ऐसा कुछ करेंगे वो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से किसी कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी को लेकर आएंगे और कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी को ला के इनके बीच में और कुछ मज़ेदार वो बनाएंगे और इनके बीच में लड़ाइयाँ करवा के और कुछ क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो जो इनके बीच में आपसी वो है ना भाई मज़ेदार है और शानदार है, मतलब चीज़ अच्छी अच्छी लेके आ रहा है, नए नए टास्क भी जो लेकर आ रहा है वो मज़ेदार लेकर आ रहा है कि आपको देखने की इच्छा हो रही है। अच्छा आप किसकी वजह से शो देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ एक तो मुनव्वर फारूकी, दूसरा मैं देख रहा था पूनम पांडे की वजह से, बट पूनम पांडे कुछ भी नहीं कर रही है तो कोई काम नहीं चल रही है वो, पर मुझे दूसरा फिर वो अंजलि का बीच बीच में देखने में ठीक लग रहा है। पायल रोहतगी को मैं काफ़ी इसमें फॉलो कर रहा हूँ, पायल रोहतगी का वो मज़ेदार लग रहा है जो उनकी चालाकियाँ और वो समझ में आ रही है जो वो कर रही हैं। अच्छा आप किसको सपोर्ट करेंगे, आप क्या चाहते हैं, कौन जीती है शो? ये तो खैर देखने वाली बात है, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है इतनी इजीली बताया जा सकता है कि कौन जीते, क्योंकि काफ़ी टफ है, बट मुझे लगता है मोस्टली अभी मतलब मेरी पर्सनल चॉइस तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कंटेंटर जो मजबूत है पूरे शो के अंदर वो मुनव्वर फारूकी है जो इस शो को जीत सकता है।